फ्रेंड्स, अब अपन पढ़ते हैं कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम किसे कहते हैं? कॉमन लॉगरिथम होता है लॉग एक्स टू द बेस 10, इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। क्या बोलते हैं? कॉमन लॉगरिथम। और नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है? तो फ्रेंड, नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है? नेचुरल लॉगरिथम में क्या होता है? यह होता है लॉग एक्स टू द बेस ई। बेस में जब ई हो तो उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, और बेस में जब 10 हो तो उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। इसको शॉर्ट में एलन एक्स भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में एलन एक्स भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ई एलन एक्स की वैल्यू क्या होगी? ई एलन एक्स को आप लिख सकते हो ई लॉग टू द बेस लॉग एक्स टू द बेस ई। ये दोनों सेम हो गए तो वैल्यू क्या होगी? एक्स होगी। तो ये अपना कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम है, नोट डाउन करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और मैंटिसा क्या होता है ना? तो इसको समझने से पहले अपन ये समझते हैं कि यूनिवर्स के सारे नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो यूनिवर्स का, वो हमेशा क्या होता है? इंटीग्रल और डेसिमल पार्ट से मिलकर बनता है। यूनिवर्स के ऑल नंबर्स ऑफ यूनिवर्स आर मेड फ्रॉम इंटीग्रल एंड डेसिमल पार्ट, है ना? ये यू बोल सकते हैं सम ऑफ इंटीग्रल एंड डेसिमल पार्ट। कैसे? जैसे सपोज मैंने लिखा 2.1, 2.1 में इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? जो इंटीजर्स होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट होता है ना? जो इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं। यानी ये इंटीग्रल पार्ट, ये क्या होता है? ये इंटीजर्स होते हैं। जितने भी इंटीजर्स है उनको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, है ना? और डेसिमल पार्ट क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट वो हो गया जो इंटीग्रल के अलावा बचता है, वो डेसिमल पार्ट है ना? तो ये आप देखें तो इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं। तो यूनिवर्स के सारे नंबर इंटीजर्स और डेसिमल से मिलके बनते हैं, ठीक है? तो यहां पे अगर मैं इंटीग्रल पार्ट की बात करूं और डेसिमल पार्ट की बात करूं, तो इंटीग्रल पार्ट तो है मेरा 2 और डेसिमल पार्ट है 0.1। ध्यान देना फ्रेंड्स, ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज मैंने 2 लिखा, ये चलो आप कहेंगे 2 2 लिखते हो सर, ये 5 लिखा मैंने। अगर मैंने 5 लिखा तो फ्रेंड्स 5 में इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, डेसिमल पार्ट कौन सा है? इंटीग्रल पार्ट क्या है? 5। तो डेसिमल पार्ट क्या है? 0। 0 भी तो डेसिमल है। आगे बढ़े तो देखो, इंटीग्रल डेसिमल पार्ट को अपन फ्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। डेसिमल पार्ट को अपन फ्रैक्शनल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/something, 1/something को बोलते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की भी एक डेफिनेशन होती है कि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। फ्रैक्शन क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पहली चीज। और दूसरा लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 नहीं होगा तो फ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने ऊपर 5 लिखा, नीचे 2 लिखा, ये फ्रैक्शन थोड़ी है। लेकिन 2/5, यानी जब डिनोमिनेटर वाली चीज, ये वाली चीज डिनोमिनेटर वाली न्यूमरेटर से बड़ी होगी तो क्या बनेगा? फ्रैक्शन बनेगा। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। तो जो ये डेसिमल पार्ट है, ये इसकी क्या क्या कंडीशन हुई? ये ग्रेटर देन 0 है, वो लेस देन 1 है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये डेसिमल पार्ट है वो 0 से ग्रेटर है और लेस देन 1 है। तो डेसिमल पार्ट की डेफिनेशन निकल के क्या सामने आई? इसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं। फ्रैक्शन होता है 1/something, यानी ये मान लो 1/something नहीं बोलो तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को बड़ा रखो आप, तो वो क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है? तो ये अपन समझ गए कि भाई फ्रैक्शन या डेसिमल पार्ट क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है एंड लेस देन 1 होता है। तो सपोज मैंने ये लिख दिया माइनस का 2.1, ध्यान देना आप, माइनस का 2.1 लिख दिया तो आप कहोगे सर मैंने पूछा इंटीजर पार्ट कौन सा और डेसिमल पार्ट कौन सा है ना? तो आपने तुरंत बोला सर इंटीजर पार्ट तो -2 और डेसिमल पार्ट -0.1 है। सपोज कोई +0.1 बोल दे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? -2 +0.1,
इन दोनों को एड करने पे ये आना चाहिए, इन दोनों को एड करने पे आता है माइनस का 1.9, ठीक है। अगर इन दोनों को एड करें तो आता है माइनस का 1.9, तो प्लस का 0.1 तो हो ही नहीं सकता, तो डेसिमल पार्ट कौन सा होगा, माइनस का 0.1। आपने लिखा माइनस 0.1, अब माइनस 0.1 लिख दे आप, फिर पकड़े गए क्या, फ्रैक्शन क्या होता है, जीरो से ग्रेटर देन होता है और लेस देन क्या होता है, वन होता है, लेस देन वन होता है तो ये पॉजिटिव होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता नेगेटिव, तो फिर आप फंस गए। तो अपना ये फ्रैक्शन और इंटीजर पार्ट अपन ने जो लिखा था वो गलत था, तो सही क्या होगा, तो देखने वाली बात है। इधर देखें आप, इसको अगर ब्रेक करें तो इसको लिखेंगे माइनस टू एंड माइनस का 0.1। फिर आप सोचेंगे क्या फ्रैक्शन कभी नेगेटिव होता है या डेसिमल नेगेटिव होता है, नहीं होता, तो इसको पॉजिटिव करें, पॉजिटिव करने के लिए माइनस टू माइनस वन करें, प्लस वन करें, माइनस पॉइंट वन करें, तो अब ये पॉजिटिव हो गया इसका सम, और ये क्या हो गया माइनस थ्री, और ये क्या हो गया प्लस का 0.9 हो गया, ये तो माइनस का 3 हो गया, ये प्लस का क्या हो गया 0.9। तो अब आप इंटीजर पार्ट तो लिखेंगे माइनस 3 और डेसिमल पार्ट लिखेंगे प्लस का 0.9, ठीक है, ये प्लस है तो ये प्लस है, तो इन दोनों को जब सम करोगे तो आप खुद देख ले इन दोनों का सम क्या आता है, माइनस का 2.1 आता है, ये का यही आता है माइनस का 2.1। तो अपना क्या हुआ, जब आपके पास नेगेटिव नंबर्स आता है तो आपको क्या करना है, इंटीजर में से माइनस 1 करना है और डेसिमल में प्लस 1 करना है। एक एग्जांपल और देता हूं, चलो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा या कर ले, मैं आगे इन्हीं पे एग्जांपल देता हूं। और तो मैं इसको क्लियर करता हूं फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो फ्रेंड्स फिर से देखते हैं, मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं आगे, जैसे मैंने लिया माइनस 3.2 या प्लस का 3.2 लू, प्लस में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सीधा लिखोगे इंटीजर 3 है और डेसिमल पार्ट क्या है 0.2 है, है ना। लेकिन अगर सपोज यही माइनस 3.2 होता तो ये लो माइनस 3.2, अब इंटीजर क्या है, अब आपको सीधा यो पहले यहां करना पड़ेगा, माइनस 3 करा फिर माइनस का 0.2 करा, तो डेसिमल नेगेटिव तो होता नहीं है, तो इसको पॉजिटिव बनाओगे तो यहां माइनस 1 करोगे माइनस 3 माइनस 1, प्लस 1 करोगे माइनस का 0.2 करोगे, तो अब ये दोनों मिलके क्या हो गया प्लस का 0.8 हो गया, और यहां क्या हो गया माइनस का 4 हो गया, तो इंटीजर पार्ट क्या हो गया माइनस का 4, डेसिमल पार्ट क्या हो गया प्लस का 0.8। तो अब आप थोड़ा शॉर्ट कर दिमाग में रखिए, कैसे देखें, सपोज मैंने लिखा माइनस 5.7, आपको इंटीजर पूछा, यहां आपको डायरेक्ट पता है कि इंटीजर माइनस में आ गया, तो इंटीजर माइनस 5 दिख रहा है, इसमें से माइनस 1 करना, तो सीधा आप माइनस 1 करके ही लिखे, बार बार इसको नहीं करें माइनस 6, और ये माइनस 0.7 है, इसमें 1 ऐड करना है तो क्या होगा प्लस का 0.3 होगा, तो ये डेसिमल पार्ट क्या हुआ प्लस का 0.3 हुआ, तो माइनस 6 में प्लस 0.3 ऐड करेंगे तो वापस क्या आता है माइनस 5.7 आता है। तो ये हुआ खेल अपना इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट का, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा पे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा पे बढ़ते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, और मेंटिसा क्या होता है, मेंटिसा होता है आपका डेसिमल पार्ट, जो आप समझ चुके हैं अभी, ये इंटीग्रल पार्ट होता है, ये डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है। सपोज मैं ये लिख दूं लॉग a टू द बेस n, n टू द बेस a, सॉरी log n टू द बेस a इज इक्वल टू 3.252, और पूछूं मैं आपको इसका इंटीग्रल पार्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगा 3, और मेंटिसा की बात करें मतलब डेसिमल पार्ट, तो मेंटिसा क्या होगा 0.252 होगा, ये इसका मेंटिसा होगा, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं, अपन ने लिखा log n टू द बेस a इज इक्वल टू माइनस का 2.3, इस टाइप में लिखा है ना, माइनस 2.3, अब मैं पूछूं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और मेंटिसा क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसका माइनस का आया है इसलिए डायरेक्ट माइनस 2 में से माइनस 1 कर दीजिए माइनस 3 होगा, और मेंटिसा क्या होगा माइनस 0.3 में प्लस 1 कर दीजिए तो प्लस का 0.7 इसका मेंटिसा होगा, तो मेंटिसा तो प्लस 0.7, कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस 3। आप कहोगे सर ऐसे कैसे डायरेक्ट लिख दिया, आपको इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट समझा चुका हूं, इंटीग्रल पार्ट क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, डेसिमल पार्ट क्या होता है मेंटिसा, नोट डाउन करें।
तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखें अब कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रॉपर्टीज थोड़ी देखते हैं अपन, कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं फ्रेंड्स। तो प्रॉपर्टीज में क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस वन। कैसे नंबर ऑफ डिजिट, कैसे, जैसे मैंने लिया 2 raised to the power 50, एक और साथ साथ में आपको थ्री वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, कौन कौन सी याद होनी चाहिए मैं यहां लिख देता हूं, चलो लॉग टू बेस में 10 है तो मैं डायरेक्ट 2 लिखता हूं, 2 मतलब बेस में 10 है, लॉग 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लॉग 2 की वैल्यू होनी सॉरी क्या होती है 0.3010, लॉग 3 की वैल्यू क्या होती है 0.4771, लॉग 5 की वैल्यू क्या होती है 0.6990। ये तीन वैल्यूज आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ये काम में आएगी, ठीक है ना, ये याद होनी ही चाहिए, ठीक है, तो ये याद होनी चाहिए। अब देखो नंबर ऑफ डिजिट कैसे, जैसे मैंने पूछा x इज इक्वल टू 2 raised to the power 50 है, अब मैंने कहा इसमें, जैसे आपको मैंने सबसे पहले कहा 2 raised to the power 4 है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 16, 1 and 2, तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 2। मैंने कहा x इज इक्वल टू 3 raised to the power 5, तो 3 raised to the power 5 क्या होती है 243 होती है, कितना होता है 243 होता है, 243 कितनी नंबर ऑफ डिजिट है 3। लेकिन अचानक से मैं आपसे ये पूछ लूं, अब बता भैया कि इसको y मान ले, चलो ये z मान ले, z इज इक्वल टू 2 raised to the power 50, अब बताओ नंबर ऑफ डिजिट कितनी है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है, आपको लॉग लेना है बेस में 10 रखते हुए, लॉग लिया, लॉग z बेस में 10 रखा तो लॉग 2 raised to the power 50, 50 कूदेगा और आगे आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 50 और लॉग 2, लॉग 2 की वैल्यू आपको पता है क्या है 0.3010, तो आप यहां लिख दोगे लॉग 50 यहां गया और यहां लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे, 50 से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 0, 5, 0 and 15 और 10 यहां आ जाएगा और ये 4 पॉइंट्स आफ्टर है तो 15 पॉइंट समथिंग, तो ये आएगा आपके 15 पॉइंट, ये आ गया आपके पास, है ना, ये आ गया। तो भैया आपका क्या हुआ, आपका नंबर ऑफ इंटीजर्स सॉरी नंबर ऑफ डिजिट 2 raised to the power 5 में, 2 raised to the power 50 में नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स यहां कितना मिला 15, प्लस क्या करोगे आप 1, तो आंसर क्या हो गया 16। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हुए 15 plus 1 = 16, तो 2 raised to the power 50 का जब एक्सपेंशन करोगे मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनेंगे तो 16 होंगे, है ना, ये फॉर्मूला कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस वन। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं अपन जैसे मैंने कहा कि x इज इक्वल टू 3 raised to the power 100 है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने बहुत आसान है, आपको लॉग लेना है दोनों तरफ बेस 10 रखते हुए, लॉग x इज इक्वल टू आ गया आपके पास लॉग 3 या 100 आ गया, 100 कहां आएगा आगे कूदेगा तो यहां लॉग 3 बचेगा, लॉग 3 की वैल्यू क्या है 4.771, तो इसको क्या लिखोगे आप 47.71। अब यहां से देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या मिला 47 मिला, तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होगी, नंबर ऑफ डिजिट होगी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 यानी 47 प्लस 1 यानी कितना हो गया 48, तो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी 3 raised to the power 100 में 48 नंबर्स ऑफ डिजिट आएगी, है ना, तो नंबर ऑफ डिजिट आपने निकालना सीख लिया, नोट डाउन करें। अब नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर ए सिग्निफिकेंट डिजिट अपन निकालना सीखते हैं, ये इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे पास लिखा हुआ 0 point, है ना, मैं ऐसे लिखता हूं 2.00020005, है ना, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज मतलब जीरो के नंबर आफ्टर डेसिमल, ये डेसिमल इसके बाद में, बिफोर ए सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब जिसका वैल्यूज मैटर करती हो, मतलब जीरो के अलावा सबकी वैल्यू मैटर करती है 1 से लेकर 9 तक, यानी ये आ गया 2 और ये आ गया डेसिमल, तो इनके बीच में कितने जीरो आए, इनके बीच में जीरो आए 1, 2 and 3, तो टोटल जीरो कितने हुए 3, तो अपन ये निकालना सीखेंगे, कोई नंबर देंगे तो नंबर ऑफ जीरो काउंट कितने हो रहे हैं वो पता करेंगे, तो फिर आप कहोगे सर ये भैया ये काउंट नहीं करने हैं, साफ साफ लिखा है नंबर ऑफ डिजिट बिफोर आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर ए सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट आगे इससे पहले पहले नंबर, अगर ये नहीं होके जीरो होता तो आगे के भी काउंट होते, तो आगे के काउंट नहीं होंगे तो ये वाले काउंट होंगे, ये चीज आप समझ गए तो अपन आगे बढ़ते हैं। सॉरी
तो फ्रेंड्स आपको जैसे मैं दे दूं x इज इक्वल टू 2 raised to the power -5, 100 ले लेते हैं, -100, इसमें मैं पूछूं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोज निकाले आप, जीरोज के नंबर कितने आएंगे, तो ये वास्तव में क्या होगा, 1/2 raised to the power 100 होगा। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद कितने जीरो आएंगे, फिर कोई डिजिट आ जाएगी सिग्निफिकेंट, उसके बीच में कितने जीरो है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। तो अपन दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉग x इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, लॉग 2 raised to the power -100, बेस को 10 रखना है, -100 आ गया आएगा फ्रेंड्स, ये -100 आ गया है। क्या बचा आपके पास, लॉग 2, लॉग 2 की वैल्यू कितनी है, -100.3010, याद करना है आपको। तो ये कितना हो गया, माइनस का 30.10। सॉरी, अब यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पॉजिटिव में लेना है, ध्यान रखना, नेगेटिव वाला नहीं लेना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे होगा जो 30 है, 30 उठाएंगे और उसको पॉजिटिव उठाएंगे, 30 का मोड लेंगे और क्या करेंगे, सॉरी 30 तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो ही नहीं सकता, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, -31 + 0.90, ये होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, तो होगा -31 और +0.90 होगा मेंटिसा, ऐसे लिखेंगे। तो मेंटिसा हुआ, अब अपन इसको पॉजिटिव उठाते हैं, पॉजिटिव पार्ट उठाते हैं, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ उसका मोड पॉजिटिव पार्ट है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉजिटिव पार्ट मोड उठाते हैं, तो मोड 31 हो गया, माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे, तो अपने पास आंसर क्या आएगा, 30। तो इसमें 30 होगी नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर ए सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहां पे ध्यान दे देना आपको, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपको मोड लगा के लेना है ना, माइनस 1 करना है, तो 31 - 0 = 30, नोट डाउन करें। एक एग्जांपल और देख ले फ्रेंड्स, जैसे मैंने ले लिया 5 raised to the power -100 ले लिया y इज इक्वल टू, और आपको पूछूं नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, जैसे ये हो जाएगा 1/5 raised to the power 100, तो इसमें खूब सारे जीरो आएंगे है ना, पॉइंट के बाद और सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले कितने आएंगे, तो अपन दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे, तो माइनस 100 तो आगे आ जाएगा, लॉग 5 रहेगा, लॉग 5 को आप क्या लिखते हो फ्रेंड्स, लॉग 5 को आप लिखते हो 0.6990, ये लिखते हो, तो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो -69.90 हो गया। यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स अलग करते हो तो -670 तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, और मेंटिसा क्या आएगा, प्लस का 0.10 आएगा, ये मैं सिखा चुका हूं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स -70, मेंटिसा प्लस का 0.10 आएगा, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स का मोड यानी 70 - 1, 70 - 1 क्या हुआ, मोड 70 हो गया, 70 - 1 हो गया 69, तो 69 जीरोज आएंगे इसमें डेसिमल के बाद और सिग्निफिकेंट डिजिट के पहले। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा हो गया, इस पे बेस्ट प्रॉपर्टी भी होगी, नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं।